आपका 20 लाख रुपए तक का लोन है तो वो कैसे माफ हो सकता है, उसका फुल प्रोसेस क्या है, मार्केट में क्या बात चल रही है इसके बारे में और क्या इसका। आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों आज हम बात करेंगे कि 20 लाख रुपए तक का लोन अगर आपका है, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, एजुकेशन लोन, मकान दुकान जमीन जायदाद का, ट्रक बस कारखाने का, किसी भी चीज का अगर आपका लोन है तो वो 20 लाख रुपए तक का लोन माफ होने का क्या प्रावधान है। साथियों इसके बारे में बात करने से पहले हम बेस से बात करेंगे ताकि बैंकिंग आपको समझ में आ जाए और आपको तरीका पता लग जाए कि क्या फंडा क्या है। साथियों सबसे पहले तो हमारे देश में या मैं सारी दुनिया की भी बात करूं तो दो तरह के लोन होते हैं। अब हमें सारी दुनिया से तो मतलब नहीं है क्योंकि आम आदमी ने अमेरिका से जाकर तो लोन नहीं ले रखा है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो रिलायंस वाले और बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने चाइना बैंक से भी ले रखा है, आम आदमी ने तो अपने देश में ही बैंकों से लोन ले रखा है। एक ले रखे, दो, पांच, दस, पच्चीस, कोई उससे कोई मैटर नहीं करता। दो तरह के लोन होते हैं हमारे देश में, अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन, फिर उसी के अलग अलग सेगमेंट है। अनसिक्योर लोन में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एसेट नहीं रखा तो एजुकेशन लोन भी, ये सारे अनसिक्योर लोन हो गए। अनसिक्योर लोन का मतलब जिसमें हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी एसेट या कोई कीमती सामान बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं रखा, जो उसके एक्शन करके बोली करके सेल करके वो अपना पैसा ले सके। अब आ गया सिक्योर लोन। सिक्योर लोन में क्या क्या आता है, सिक्योर लोन में मकान दुकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाना प्लॉट फ्लैट स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस। भाई जो मकान दुकान जमीन जायदाद है इसका तो आप क्या करेंगे, बैंक के पास रख दिया, उनसे पैसे ले लिए, पैसे लेके वो खरीद लिया, वो रजिस्ट्री बैंक के पास रखी गई। स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप तो बैंक के पास नहीं रखी जा रही, लेकिन उसमें भी एचपीए चढ़ जाती है, मतलब जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो जो मालिकाना हक है वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास चला जाता है। अगर आपने कोई भी स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस ट्रैक्टर या कोई भी चीज, कोई भी वाहन, दो पहिया चार पहिया चाहे सोलह पहिया हो, अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन करवाया है तो वो राइट्स, वो अधिकार आपने उसको दे दिए बेचने खरीदने के, आपके पास उसको चलाने के अधिकार है, उसको यूज करने के अधिकार है। जब आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी का सारा पैसा दे देंगे तो वो आपको एक एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको लेके आप आरटीओ ऑफिस में जमा करवा देंगे, वो एचपी हटा देंगे, नई आरसी बन के आपके घर आ जाएगी, उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी का नाम उसमें से हट जाएगा। इस तरह से हमारे देश में बैंकिंग हो रही है। अब आती है सर 25 का नोटिस आ रहा है, सर 138 का नोटिस आ रहा है। भाई साहब 138 का नोटिस तो चेक बाउंस का है और 25 का जो नोटिस है वो है ईसीएस बाउंस का। ईसीएस बाउंस का जो केस है वो लगभग चेक बाउंस से मिलता जुलता है, लेकिन मेरे देखने में यही आया है कि चेक बाउंस को तो ये अदर स्टेट में भी करवा देते हैं। आप इस गफलत की स्थिति में ना रहें कि आपने लोन ले रखा है, तो जब भी आप कानून की अवमानना करेंगे तो आपका कम से कम 14 दिन की जेल का प्रावधान है, और बिल्कुल ही कानून को तोड़ेंगे तो 7 साल की सजा भी आपकी हो सकती है। लेकिन हर बार मैं कहता हूं अगर आपके पास पैसे हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे दे दें, नहीं तो फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको तो चलाएंगे। वो क्या है, वो सिविल स्कोर है यार, उसको सिविल को खराब कर देंगे, बस फ्यूचर में कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगा। यहां तक कि आपके बच्चों को भी लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आजकल पेरेंट्स का भी सिविल चेक करने लग गए हैं बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले। अब बात आ गई अगर पैसे है ही नहीं, भाई साहब फिर आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह सौदा ही कुछ नहीं है, क्या करेंगे भाई यार, पैसे ले लिए कोई इन्होंने एहसान कर दिया क्या, पैसे दे दिए आपको उधारे, वो जो बाहर भिखारी बैठे हैं उनको दे देना, आपको क्यों दिए, सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी के बाहर जो भिखारी बैठे हैं उनको तो कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी 20 रुपए नहीं दे रही,
उनको तो 10 से ज्यादा नहीं दे रहे, और पता नहीं 10 भी दे रहे कि नहीं। इसके अलावा हमने एक सर्विस और स्टार्ट की है जो कि पेड सर्विस है, आपके स्क्रीन पे उसका नंबर आ रहा है, उसमें आप मैसेज करके हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आया। आपको 10,000 रुपए दे दिए, आपको 10 लाख रुपए दे दिए, आपको 50 लाख रुपए दे दिए, किस लिए दिए भाई? अरे अगर आपको 20 लाख रुपए दिए या 5 लाख रुपए दिए, आपकी औकात देखी है उसने बैंक ने? ITR देखी, बैंक स्टेटमेंट देखी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन हुई, मोले पड़ोस में पूछा भाई यू बंदा आ रहा है कि नहीं रहा है, आपकी सैलरी दे तो आपकी सैलरी स्लिप देखी, हर तरीके से बैंक ने आपको तोला है, चाहे बैंक हो चाहे NBFC कंपनी हो। जब उसने तोल मोल के आपको ठीक लगा तो आपको लोन दे दिया। आप लोगों के बिजनेस व्यापार काम धंधे यार कम हो गए कोरोना की वजह से, दूसरी लहर आने की वजह से लोगों से पैसा नहीं दिया जा रहा, तो क्या कर सकते हैं? जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए चाहे 25 हो गए, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपको क्रिमिनल बना कौन रहा है? ये 54 छाप बना रहे हैं और कोई नहीं बना रहा। आपने लोन डिफॉल्ट हो गया, कोई चोरी करके ले आए थे बैंक की? अरे भाई पैसे नहीं दिए जा रहे, मान लो 50 लाख रुपए देने थे या 50,000 रुपए देने थे, कोई बैंक पड़ा था कि रात ने डाका मारा था उसमें, अब ठगी करी थी, खुद से थे उस पर है भाई, बैंक ने प्यार से दिए थे, आपने प्यार से ले लिए थे, तो भाई जी होंगे प्यार से तेरे वापसी दे देंगे भाई। ये 54 छाप आपको क्रिमिनल बनाने पे तुले हुए हैं। 420 लग जगी, 422 लग जगी, 406 लग जगी, ना बेरी की दुकान का था बेरा नहीं, इन्हें पूछिया 422 किसने कहा? और 422 उसको कहते हैं छिपना भाई। अगर आपने लोन ले लिया और बैंक वाला आ रहा कोई, आप उससे मिल ही नहीं रहे, वो 422 वो प्रूफ करनी पड़ेगी इनको, ऐसे थोड़ी लग जाएगी यार। 406 अमानत में खयानत भाई, किसी आदमी ने आपको कोई कीमती चीज दे दी अपनी, आपने उसको बेची दिया या आपने उसको छुपो दिया, अब आप उसको दे नहीं रहे, तो 406 लग सकती है। लेकिन लोन लेने में कैसे 406 लग जाएगी? आपने क्या अमानत में खयानत कर दी बैंक की? अरे पैसे लेकर कान को दिए भाई, कान को दिए, वो तो खर्च हो गया, अगले के घर परिवार में बालक बच्चे आ रहे तो दे, बाबो तो लोन देवेंगे, हरिद्वार में जो बाबे बैठे उनको लोन दे के आ रहे गे, घर परिवार वाले आदमी हुए तो मैं करूं, अनमैरिड को भी नहीं लोन दे रहे, कोई अनमैरिड 35 साल का चला जाओ लोन ही नहीं देंगे उसको, कोई 45 साल का नहीं लोन ही नहीं देंगे उसको भाई, ये तो रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है भाई, ये तो अपने हर तरह से हाथ पक्के कर रहे हैं। अब बात आती है भाई 20 लाख रुपए का लोन का क्या फंड है भाई? देखो समाज में गफलत की स्थिति पैदा हुई हुई है, पता नहीं कहां कहां से भ्रांति आती है भाई, बिल्ली के खाब में तो भाई चूहे ही आवा भाई। बात यह है कि लोन माफ कैसे होता है? ओ भाई वही लगी फटने, खरात लगी फटने यार, सारी दुनिया का दस्तूर है, कड़ी चले जा, कोई फ्री में किसी को पैसा नहीं देता, ना कोई बैंक NBFC कंपनी अपने पैसे छोड़ती है, ना छोड़ना चाहती। राइट ऑफ करें, और राइट ऑफ का भी मतलब यह नहीं है कि पैसे उसने बिल्कुल छोड़ दिए, उसने अपने पोर्टफोलियो में से बही खाते में से उसको हटा दिया, क्यों? नहीं तो NPA बढ़ेगा, NPA बढ़ेगा तो अपने आप ही नंगड़ होएंगे यार, लोग तो ही रहे कैसे होएंगे? अरे लक्ष्मी विलास बैंक ने डूब गया यार, 26% होगी उसकी NPA, वो ताला लग गया, इनका भी ताला लग जाएगा, उसको ये राइट ऑफ करता है। अब टोटल माफ कैसे होंगे भाई? अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी आती है जो मेरे देखने में आया, और ज्यादातर मेरे देखने में आया जमींदारों के लोन माफ होते देखे हैं मैंने, जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर की जैसे अलग अलग स्टेट के अपने बैंक भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं हरियाणा में, तो आप जिस स्टेट में रहते हैं उस वहां क्या बोलते हैं, वो कोऑपरेटिव ही हो सकता है उनकी भाषा में, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषा चली है, पंजाब में पंजाबी है भाई, यहाँ है उड़ीसा में उड़िया चल रही है भाई, आगे बॉम्बे चले जाओ तो मराठी आ जाएगी, अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा है, वहां उन्होंने क्या रख रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बैंक का नाम, तो वो आपको पता होगा। वो क्या करते हैं ज्यादातर मेरे देखने में आया, जो राजनीतिक पार्टी होती है वो क्या करती है भाई, इलेक्शन से पहले एक अपना वो एक पर्चा छाप के देते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं तो मैं भाई, हम ये काम कर देंगे भाई, जिम्मेदारों को माफ कर देंगे भाई, बिजली का बिल माफ कर देंगे भाई, इतना कर देंगे,
लेकिन वो कभी भी मैंने 20 लाख रुपए का कोऑपरेटिव सोसाइटी का, आज तक मैंने किसी आदमी का 20 लाख रुपए का एक आदमी का लोन नहीं देखा मैंने कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हरियाणा में भी हुए हैं माफ, लेकिन वो 10-20-30 हजार रुपए के, आजकल 50-60 हजार रुपए लाख देने लग गए भाई जैसी महंगाई होगी। 20 लाख रुपए का किसी भी तरह का कोई भी लोन कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी माफ नहीं कर रही, और ना ही वो माफ कर सकती। ऐसे यार अगर 20 लाख रुपए तक का लोन माफ करेंगे, मैं कह रहा देश के 90% लोन जो है वो 20 लाख से कम ही है, वो तो फिर सारों के ही माफ हो जाएंगे, तो 10% रह गए पैसे इन्होंने लेने, तो ये अपने आप ही नहीं नंगे हो जाएंगे। अरे भाई मेरी जेब में 100 रुपये आवे और 100 रुपये में मेरे घर का खर्चा चल रहा है, 10 रुपये में चल जाएगा, फिर अपने आप ही नंगट हो गए यार, इनका ताला ही लगेगा भाई। ऐसे अगर 90% माफ कर दिए हो गए, चलो मान लिया 10% पैसे रह गए, ये लोगों के पैसे कहां तक देवेंगे? किसी ने अपनी छोरी का ब्याह करने वास्ते दर रखे भाई इन पे पैसे, ये तो नंगट हो गए पैसे ही नहीं, वो कहां तक करेगा अपनी छोरी का ब्याह? किसी ने बेचारे ने सारी उम्र सरकारी नौकरी करी, बचे हुए पैसे वहां दर दिए, वो अपनी बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं वहां से, वो बुढ़ापा पेंशन भी वहां आ रही, या उसने कोई एफडी करवा रखी किसी आदमी ने सारी उम्र पैसे इकट्ठे करके, बालक उसके सही नहीं निकल रहे, वो उसमें अपना काम चला रहे हैं, वो रोटी कहां दिखाओगे भाई? ओ भाई अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। आपका कोई जानकार हो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट पढ़ता हो या पढ़ाता हो, वो आपको बता पाएगा कि महंगाई बढ़नी भी जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक लिमिट में बढ़नी जरूरी है, तभी अर्थव्यवस्था घूमेगी। इसके अलावा हमने एक सर्विस और स्टार्ट की है जो कि पेड सर्विस है, आपके स्क्रीन पे उसका नंबर आ रहा है, उसमें आप मैसेज करके हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आया। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे।